मेरा नाम भूमि जैन है। हम कक्षा छठी व पहली विद्यार्थी है। आज हम आपको समाज के बारे में बताने जा रहे हैं। ये समाज क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों से संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समाज कहते हैं। समाज के छह भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समाज, जिस समाज में समस्त पद का पहला पद गौण व दूसरा पद प्रधान हो, साथ ही उनके मध्य विभक्ति चिन्हों का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। दूसरा समास कर्मधारय समास, जिस समास के उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों से में विशेषण विशेष्य या उपमान का संबंध हो, वह कर्मधारय कहलाता है। तीसरा समास है द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संज्ञावाची विशेषण है, दूसरा पद प्रधान हो, वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समस्त पद समूह का बोधक होता है। चौथा समास द्वंद समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, वह द्वंद समास कहलाते हैं। पांचवा समास है अव्ययवाही समास, जिस समास में पहला पद अव्यय हो वही प्रधान होता है तथा अव्यय बन जाए वह अव्ययवाही समास कहलाते हैं। छठा व आखिरी समास बहुव्रीहि समास, जिस समास में समस्त पद का कोई भी पद प्रधान ना हो और समस्त पद किसी उन्हीं अर्थ को बोध कराए वह बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। क्या आप सबको समास समझ आ गए हैं? मुझे लगता है भूमि इन सबको समास समझ में आ गए। और हमारी आपसे एक और निवेदन।